मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में खेल एकता संघर्ष युवा मंडल के अध्यक्ष रजना नरेंद्र खटिक ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम एवं मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली ग्वालियर के मुरार से प्रारंभ होकर थाटीपुर स्टेशन पूर्वाग पड़ाव होती हुई वापस संस्था के कार्यालय मुरार पर समाप्त होगी। बाइक रैली में करीब 200 से अधिक बाइक सवार शामिल होंगे। रैली को हरी झंडी ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर एवं अन्य अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। रैली का आयोजन संस्था के द्वारा कोविड-19 के नियमों को रखकर किया गया है। सभी खेल प्रतिभागी एवं संस्था के पदाधिकारी मास्क लगाकर ही रैली में शामिल होंगे। खेल एकता संघर्ष युवा मंडल ग्वालियर के युवाओं के लिए खेल प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी खेल प्रशिक्षण शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाएंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए खेल प्रशिक्षण संस्थान को पूरा सैनिटाइजेशन किया जाएगा। संस्था का उद्देश्य ग्वालियर शहर की खेल प्रतिभाओं को आगे नेशनल लेवल तक पहुंचाने का है। मेरा नाम नंदिनी रजक, मैं एक एज अभी फुटबॉल स्टूडेंट ही हूँ। अब टीचर एज अ स्टडी चल रही है मेरी, अब स्टडी लाइन में आ गई हूँ, वो टीचिंग लाइन में आ गई हूँ। हमारी संस्था एक अच्छा काम कर रही है कि ये शिविर खोल रही है अपना। इधर हम लोग इधर फुटबॉल, डांस, कराटे, क्रिकेट, अदरवाइज अदर एक्टिविटी भी बहुत सारा सिखा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, वैसे ओनली रजिस्ट्रेशन चार्ज है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारी संस्था इतना सही कर रही है कि इधर आप जुड़ना चाहो, इधर समाज सेवा का कुछ भी काम करना चाहो तो आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे हमारी संस्था से। हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्वालियर की जनता को और ग्वालियर के जो युवा और जो वर्ग है उनको क्या संदेश देना चाहोगे और इस खेल के बारे में? ये खेल एक खेल की संस्था है सबसे मेन, तो एक खेल में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो अब आज की जनरेशन ऐसी है कि घर पर रहना, फ़ोन चलाना, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा है। अपने आप उठो, अपना एक्टिविटी, अपनी फिटनेस रखो, खेलो, पढ़ो, पढ़ो, अपना फिटनेस रखो, सबसे मेन तो यही मोटो है। आपको कितना टाइम हो गया संस्था में जुड़े? संस्था में जुड़े तो मुझे समथिंग एक दो महीने के समथिंग हुआ है। आपको खेल के प्रति कैसे लगा हुआ आखिरकार? सर मैं तो 8 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ, तो मैं तो शुरू से एक्टिव रही हूँ। तो मुझे वहाँ पे, मैंने जब गई थी, मैं स्कूल MAB स्कूल से खेली हुई हूँ, मैं स्कूल गई थी, तो वहाँ पे जाके मैंने देखा और बच्चे खेल रहे थे, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने जाके सर से बात की, सर मुझे भी खेलना। सर ने बोला ठीक है बेटा आप आ जाइए घर से। तो मैंने ऐसा खेला वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने खेला, तो उन्होंने मुझे एज अ गोलकीपर ट्रेन किया। मैं गोलकीपर MP की गोलकीपर रही हूँ अभी, प्रेजेंट में जीवाजी यूनिवर्सिटी की गोलकीपर हूँ। तो वहाँ पे हम लोग खेलते हैं, बाकायदा अच्छे से खेलते हैं, हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है। कैंप आते हैं तो हम कैंप जाते हैं सारे, तो ऐसा ट्रेनिंग मिलती रहती है हम लोग को। क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको जब खेल के समय थे? बहुत मिलती हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग को लेटर खुद हम लोग को निकलवाना पड़ता है। टीचर्स होते हैं कि बोल देते कि हाँ अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। हम लोग को अभी लास्ट ईयर जैसे हम लोग को हमारा लेटर हम लोग को हाथ में नहीं आया था, हम लोग को यूनिवर्सिटी जाना था, हमारी 9 बजे ट्रेन थी, हम लोग को 7 बजे हम लोग को लेटर हम लोग को दिया गया। जब हम लोग पूरा टाइम खड़े रहे तो हम लोग को 7 बजे लेटर मिला, तब हम 9 बजे ट्रेन में गए थे। हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं था, फिर भी हम लोगों ने फेस किया, वहाँ पे हम 2nd प्लेस मार के आए हैं। तो इतना बहुत चीज़ें फेस करना पड़ती है, हर चीज़ हमें फेस करना पड़ती है। टीचर डांटते हैं तो वो भी फेस करना पड़ता है हमको कि हाँ टीचर डांट रहा है, हमको सुनना है, हमको खेलना है तो हमको सुनना है, हमको आगे बढ़ना है तो हमें सुनना पड़ेगा। खेल के मामले में क्या आया है आपका आगे, क्या बनना है आपको? मेरा फोर्स फील्ड है, बट एज अ फुटबॉल टीचर, स्पोर्ट टीचर ही बनना चाहती हूँ मैं भी। तो स्टडी लाइन में, टीचिंग लाइन में, स्पोर्ट टीचिंग लाइन में चले गई हूँ। BPED मेरा एडमिशन हो गया है, तो अब वहाँ से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा टीचिंग लाइन आगे स्पोर्ट टीचर ही बनना है मुझे। मेरी मैम है दीपा वर्मा, वहाँ पे वो इतना अच्छा टीचर हैं, अच्छी टीचर हैं, उनसे ही मुझे मोटिवेशन मिला है, तो मैं एज अ टीचर ही बनना चाहती हूँ सबसे ज़्यादा। क्या नाम है आपका और संस्था की जो प्रेस वार्ता रखी गई थी आपने अभी जो बताया? मेरा नाम नरेंद्र खत्री है, खेल एकता संघर्ष युवा मंडल संस्था अध्यक्ष। आगे क्या कार्यक्रम है संस्था के? 4 दिसंबर को बाइक रैली है कोरोना और मतदाता जागरूक अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौरान। और कौन कौन उपस्थित होगा इस रैली में? इसमें आमंत्रण पत्र अपने मामी जी को, ग्वालियर सांसद
माननीय सीजल कट जी को, माननीय मुन्ना लाल गोल जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी और कई जो वरिष्ठ पार्षद हैं क्षेत्र के समाज सेवी हैं और आरएसएस शाखा से भी कुछ सदस्य उपस्थित हैं। जो रैली निकलेगी कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? ये सास की मल्टी न्यू सुरेश नगर बाबा साहब की पार्क से शुरुआत होगी और ये रैली नदी पार टाल होते हुए मुरार थाना बारादरी, बारादरी से तुम्हारे ठाटीपुर और सिंधु की छावनी रिटर्न फूलबाग होते हुए स्टेशन और अपने गोले के मंदिर 7 नंबर पर समापन होगी। जो खेल प्रशिक्षण कैंप आपके द्वारा चालू किया जा रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी? इसके लिए अभी हमारा 5 तारीख से हम शिविर कैंप चालू कर रहे हैं जिसमें अपना बॉक्सिंग का है, कराटे है, डांस है और पेंटिंग है और क्रिकेट का। तो इसके लिए क्या फीस और क्या फॉर्म भरा, क्या रहती है? उसके लिए अपने यहाँ निःशुल्क बच्चों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है 45 दिन तक, फिर लास्ट में उनके लिए कंपटीशन किया जाता है जिसमें जो विजेता बच्चा होगा उसके लिए 5100 रुपये इनाम है और जो अपने दूसरे नंबर पर उसके आए उन्हें 3100 और 2100 रुपये। जैसे कोई प्रतिभागी भागवरा लेना चाहे तो कहाँ पर संपर्क कर सकता है आपसे? जी अपना एक अपना कार्यालय है बारादरी रामनगर में और दूसरा ये एसके पब्लिक स्कूल के बगल से मुराद शमशान घाट के पास है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।